आज की प्रेस वार्ता भारत जोड़ो नए यात्रा के रूप में हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग का जो यात्रा नए यात्रा 14 जनवरी मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक लगातार चलते रहेगा। इसी कड़ी में झारखंड के दो बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में वहाँ से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू डालगंज की तरफ आई। आज हम लोग इस प्रेस यात्रा के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जो सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस कदर झारखंड के लोग एक जगह नहीं कई स्टेट में जाने की काम किया है, हमारे छोटे छोटे से वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णायक 2024 के पहले एक निर्णायक जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णायक निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक ना मिल पाया है ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज़ के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आया। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छाद रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने के काम के, इस तरह बहुत सारी स्टेट में। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर जो कमी है इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एक बद्ध होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सोच और विचार के साथ हमेशा ही काम किया है कि हिंदुस्तान के सब तबके के लोग खुशहाल रहे, हर चेहरा पर मुस्कान रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद डरे हुए सहमे हुए हर तरह के लोग को दिखाई मिलता है। आज राजनीतिकरण जो है कुछ एजेंसी के हाथों में फंसा हुआ है, लोग को डर और भय दिलाकर जो है राजपाट जो कराना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए हित नहीं अहित होगा। आज हमें चाहिए कि लोकतंत्र में जो हमें हमारे पूर्वज ने हमें लोकतंत्र दिया है जो हमें संविधान दिया है उसके सही तरीके से हम रक्षा करें और देश के खुशहाली के लिए ये यात्रा हम लोग शुरू किए ताकि देश के लोगों को न्याय कैसे मिले। ये यात्रा का शुरुआत झारखंड से शुरू जब पहुँचेंगे हम तमाम लोग हर पॉइंट पर खड़ा होकर इस यात्रा का स्वागत करते हुए और यहाँ की जो कमी है उसको दूर करने के हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। झारखंड में एक्सपेक्टेड डेट कब है उनके आने का? सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आए। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छाद रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने के काम के, इस तरह बहुत सारी स्टेट में। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर जो कमी है इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एक बद्ध होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। न्याय यात्रा के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, उस निमित्त तैयारी करने से पहले आप लोगों से रूबरू होना आवश्यक था क्योंकि ये जो जन जन तक संदेश पहुंचाने का है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस लिए हो रहा है उन सारी बातों को आप झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उस निमित्त आज हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, जो महिलाओं के साथ हुआ वह सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। उस निमित्त हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को प्रिय अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मर्पित किया करते हैं। तो ये चीजें जो है, सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे कि कहां तक सारी चीजें चल रही है। न्याय का हक मिलने तक ये जो आज स्टिकर हो गया, ठीक है, हाँ 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 आगे बढ़ना है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना भी जीता है, लेकिन लोग चर्चा करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी 5 साल सरकार रही थी, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी और जिस तरह का सारा चीज सामने आ रहा है, बहुत जल्द सारी, आपने कल देखा कि जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे उनको किस तरह से उठा के पटक करके थाने ले जाया गया। तो अब तो जो वकील जो बात करना चाहते हैं, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। तो उस निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लाया जा रहा था तो गणेश जी ने भी कभी खंडन नहीं किया और गणेश जी के जो पुजारी लोग थे उन्होंने खंडन नहीं किया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब लोगों ने मान लिया। तो वैसे उनको अपना गणेश जी को दूध पिलाना है वाली बात है, अफवाह फैलाना है, इस तरह की अफवाह फैलाते रहें, ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब अमित शाह चाईबासा जा रहे थे तब भी इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा था, फिर एक बार अफवाह फैलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों का जवाब समय ही देता है और मैं समझता हूँ जो जिस तरह की वो संजीदा हैं और जिस तरह से वो सारी बातों को समझती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, मीडिया को भी मसाला चाहिए तो उस निमित्त कुछ कुछ परोसा जा रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पिछले दिनों पूरे देश की यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा और अब उस निमित्त जो जिन जगहों पे वो नहीं जा पाए थे, लोगों की ख्वाहिश थी कि वो आए और जिस तरह से लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है, वैसे में एक न्याय यात्रा निकाला जाए। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मणिपुर से मुंबई तक हम न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसमें 6713 किलोमीटर आदरणीय राहुल गांधी जी चलने का काम करेंगे, उसमें 66 लोकसभा और 110 जिला कवर होगा। हम
हमारे छोटे से छोटे से वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णय 2024 के पहले एक निर्णय जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक काम नहीं पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्रियों कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज़ के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन